हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन से संबंधित अति महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी प्रश्नों की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, जिगर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पोलो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, विलियर्ड्स। सही आंसर है विलियर्ड्स। जिगर शब्द विलियर्ड्स खेल में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी वाले धावक के भोजन में निम्न में से किसका प्रतिशत सर्वाधिक होना चाहिए? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी। सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फिसलने वाले जोड़ का उदाहरण है? घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, टार्सस जोड़ और कलाई का जोड़। सही आंसर है टार्सस जोड़। टार्सस जोड़ एक फिसलने वाले जोड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इंट्राम्यूरल कार्यक्रमों का आयोजन होता है। संस्थान से बाहर, संस्थान के अंदर, कहीं भी, उपरोक्त सभी। सही आंसर है संस्थान के अंदर। इंट्राम्यूरल कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान के अंदर होता है, संस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी बच्चों के शरीर में किस रोग को जन्म देती है? ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्वी, रिकेट्स, ट्रेकोमा। सही आंसर है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी बच्चों के शरीर में रिकेट्स रोग को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है, एक मैक्रोसाइकिल कितने समय तक चलता है? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 12 महीने। सही आंसर है 12 महीने। एक मैक्रोसाइकिल 12 महीने तक चलता है। सही आंसर हुआ 12 महीने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चोट के लगने पर उल्टी आती है? 4 ऑप्शन हैं, अस्थि की चोट, मांसपेशी की चोट, सिर की चोट और अंगुली की चोट। सही आंसर है सिर की चोट। सिर में लगने वाली चोट के कारण उल्टी आती है। सही आंसर हुआ सिर की चोट। अगला क्वेश्चन है, एक शिविर में किस प्रकार का अनुशासन उचित रहता है? 4 ऑप्शन हैं, लचीला, सरल, कठोर, सामान्य। सही आंसर है कठोर। एक शिविर में कठोर प्रकार का अनुशासन उचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड नामक बीमारी होती है। 4 ऑप्शन हैं, कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, ईस्ट से। सही आंसर है जीवाणु से। टाइफाइड साल्मोनेलो टाइफी नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में रबर शब्द का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट। सही आंसर है क्रिकेट। क्रिकेट के खेल में रबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।